नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, फरवरी के 29 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। टोनी परसौत 38 साल का एक आदमी फलैंग वेलखदा से में बीते हुए शनिचर के रात का इनका कत्ल हुआ है इनके बाप इनके पिता के जरिए। ये पता चला है कि दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही ज़मीन पर रहते हैं और काफ़ी दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रहा था। उस दिन जब यह हादसा हुआ है, दोनों बाप बेटे दोनों नशे के हालात में थे। दोनों में कुछ खींचातानी हुआ है, फिर कुछ हाथापाई हुआ है और बाप इस आदमी का जो है कई बार इनको धमकी दे चुके थे कि इनको काट डालेंगे और ऐसा उस दिन भी हुआ है। वहाँ से गए हैं, कटलिस लेकर आए हैं और इस पर वार किए हैं। एम्बुलेंस के आते आते ये आदमी का देहांत हो गया था। पुलिस ये बाप जो है इसको गिरफ्तार कर चुके हैं, यह पुलिस के हिरासत में है। फंतरेक्ट के बारे में जो मुकदमा चल रहा है, इसका सुनवाई बहुत से लोगों का सुनवाई इस मुकदमे में हो रहा है। पिछले हफ्ते हम आपको बताए थे कि इनके वकील जो है इरविन कन्हाई, इनको मिलने के इजाज़त नहीं है, फंतरेक्ट से मिलने के इजाज़त नहीं है। इरविन कन्हाई अब ये बताई है, यह जानकारी दी है कि ओपन बार मिनिस्ट्री की तरफ से इन्हें अब इजाज़त मिल गया है फंतरेक्ट से बात करने को, इनसे मिलने को, और वो इनसे मिल चुके हैं, इनका बयान भी ले चुके हैं। लेकिन कन्हाई तो भी कहते हैं कि जो ओपन बार मिनिस्ट्री ने पाबंदी लगाई थी इनके क्लाइंट से मिलने के लिए, ये इनके देखने में गलत है, ये सही नहीं है। वैसे फंतरेक्ट फरवरी के 6 तारीख से ये पुलिस के हिरासत में है, ये कैद में है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किए हैं एक बेलखिस बिद्रैफ क्लेयरफील्ड से, इनका बिद्रैफ ओरियन से, और भी कुछ गाड़ी खरीदा गया है जिसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा कीमत से ज़्यादा पैसा भरा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया है। फंतरेक्ट जो एक्स गवर्नर था सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का। वैसे ये जो कहा जाता है कि कसर सर्फस जो गुम हुआ है इसके सिलसिले में फंतरेक्ट को अंदर किया गया है, ये सच नहीं है। इसके लिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये जो कसर सर्फस के ये दूसरा मामला है। वैसे अब जो कन्हाई है कहते हैं कि इनको इजाज़त है क्लाइंट से मिलने के लिए, इनका बयान वो ले चुके हैं और ये कहते हैं कि त्रिक कहते हैं कि इसमें से कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किए हैं। मिनिस्टर फिनांसियन गिलमोर हुफ्दरात ने कहे है कि इनको कुछ नहीं पता था जो कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत हुआ है, इसके लिए वो कोई इजाज़त नहीं दिए है। लेकिन फंतरेक कहते हैं कि मिनिस्टर को पूरा जानकारी था और इन्होंने इजाज़त दिए है ऐसा काम करने के लिए। कन्हाई कहते हैं कि अब दोषी इन्हें मिल चुका है और आने वाले दिनों में ये प्रूफ के साथ, ये इनके पास जो प्रूफ है, इनके पास बवैस है, इसके साथ वो साबित करेगा। मेल जो मेल बरिख्त है और कुछ चैट बरिख्त इत्यादि है, इससे वो साबित करेगा कि मिनिस्टर को पता था जो त्रिक काम किए हैं और इन्हें पूरा तौर से इनकी तरफ से इजाज़त था। असेंबली का पार्लियामेंट स्लिट, पंचघर का नेता मथुरा जो है कृष्णा मथुरा फेहपे का पार्लियामेंटारियर जो है, ये पंचघर में प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से कुछ सवाल किए हैं गाड़ी के खरीदारी के सिलसिले में। कुछ गाड़ी पिछले दिनों में ख़रीदा गया है पुलिस के वास्ते, ये तो सबको पता है, इसके बारे में मीडिया में बहुत से ऐसे चर्चा हुआ है। लेकिन अब ये पता चला है कि रुदिसा मोटर कंपनी के पास कुछ गाड़ी खरीदा गया है जिसके लिए ओपन बार आन बस्तीदिंग नहीं किया गया है। ये रेसोल्यूसी से पता चलता है, दो रेसोल्यूसी से, इस एक में 22 त्वेन त्वेन तक मोदर गाड़ी खरीदा गया है मैरक संगयोंग का तिप मुसो फोर व्हील ड्राइव जो है, और कुल मिलाकर कीमत है 605,000 US डॉलर या इनका 3 वार्द सूरीनाम्स कोरांट में, और एक मख्तखिंग दिया गया है एक रुदिसा मोटर कंपनी को, मख्तखिंग दिया गया है 22 मोटर गाड़ी खरीदने को मैरक संगयोंग का तिप E4 होमडर, और इसका कीमत है कुल मिलाकर 844,848 US डॉलर या 3 वार्द सूरीनाम्स कोरांट सूरीनाम का पैसा में।
पुलिस का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, पुलिस की गाड़ी के सिलसिले में मथुरा कहते हैं कि 75 75 पिकअप्स, 4 बस और 5 मोटर एंड ब्रोमफिट से खरीदा गया है। ये वो समझते हैं ये सही बात है क्योंकि पुलिस को क्रिमिनलिटी स्प्रेडिंग के लिए और जनता के मदद के लिए ये सवारी की ज़रूरत है। लेकिन जो ये 22 गाड़ी खरीदा गया है, इसके सिलसिले में मथुरा प्रेसिडेंट से पंचघर में सवाल किए हैं, क्यों रिड्यूसा के पास खरीदा गया है, क्यों ओपन बार आम बस्तीदिंग नहीं हुआ है, और ये भी कहा गया, ये भी सवाल किया गया है, क्यों ये मोटर गाड़ी, ये टिप मोटर गाड़ी खरीदा गया है। ये तमाम सवाले और भी कुछ सवाले किया गया है जिसके वास्ते मथुरा जो है ये खुलासा चाहते हैं। एक हादसा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि एक सिपाही दोनोफन कार्तोवादी जो है 28 साल का, बीते हुए शनिचर को इनका देहांत इस हादसा से हो गया है। ओस्टस फरबिंदिंग फ्रेबर्ग किलोमीटर 54 इलाका सरामाका में खोजबीन से पता चला है कि ये अस्पिरंट अखेंट फन पॉलिसी कार्तोवादी जो है ये दिन मौत और फिट से सर्फियांस कर रहा था और किलोमीटर 54 के आसपास जाकर एक गाड़ी से टकराया है। ये गाड़ी का जो हाँकने वाला बस्तूदर था ससन सस्तख यार का बेदी, ये अपने बयान में कहे है कि इनके गाड़ी रुका हुआ था बैरम पर और उसके बाद ये गाड़ी में बैठकर वहाँ से जब जा रहा था ये अपने गाड़ी जो है ये सड़क पर घुमाने के कोशिश की है या घुमा रहा था, तब ये मौत और फिक्सर जाकर इनके गाड़ी से टकराया है और ये इतना बुरी तरह से घायल हुए, इनके लोग तैखर क्रीक के पोली क्लिनिक पर ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही ये सिपाही का देहांत हो गया है। वैसे पुलिस या ऑटोबस्तूदर बेदी इनका बयान लिए है और बयान लेने के बाद इनको घर वापस भेज दिया है, लेकिन इनका रेबवेस पुलिस कब्जे में ले लिए है। गाड़ी और मोटर फीस दोनों हेयर क्योरिंग के वास्ते भी कब्जे में लिया गया है। ये फरकेश दोदा नंबर नहीं कहे इस साल के वास्ते। बीते हुए 24 तारीख फरवरी के रात में रेफोल्यूसी के मौके पर एक मसा मीटिंग लगाया गया है पुराना फेयर प्लेन पर और बहुत से बड़े तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जो एनडीपी का फोर्सेधर भी है, कहे कि वो बहुत खुश है कि इतने तादाद में लोग वहां पर आए थे ये मसा मीटिंग में हिस्सा लेने के वास्ते। वैसे इस उन्होंने कहा है कि इससे ये साबित भी होता है कि कितने सारे लोग हैं जो एनडीपी के पीछे खड़े हैं, एनडीपी के साथ हैं। इनके पास वक्त नहीं है साया करने के लिए और वो ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं फेक न्यूज़ पर, ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए है। बहुत से काम करना है देश के वास्ते और ये काम पे ये सब ध्यान इनका रखेरिंग जो है सरकार जो है ध्यान रख रहा है, ध्यान दे रहा है काम पर जो अभी करना है। सरकार अपना प्रोजेक्ट इन सभी जारी करेगा। बौद्ध ने कहे है कि जितना काम इनका सरकार जो है 5 साल में किए है, इतना न्यू फ्रंट रखेरिंग जो है 15 साल में भी नहीं किए है। मार्च के पहली तारीख सुरीनाम रिफिर का अल बखरिंग शुरू होगा, ये और गहरा किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने बताया है कि इससे और ज़्यादा लादिंग जो है जहाज़ों में स्खेपन में लोग देश में अंदर ला सकते हैं और ये भी कहा गया है कि मार्च के 7 तारीख नया हाईवे जो है जो समुद्रे की ओर जाते हैं ये इसका अपलेवरिंग होगा और सरकार भी इस वक्त देख रही है कि फाई बकोव बद्रेव जो है इसके मजदूर के लिए ये सब क्या कर सकते हैं, इन लोगों के रख सही कर हेत के वास्ते क्या हो सकता है, इस पर सरकार इस वक्त काम करते हैं। बहुत से काम करना है, ये बेफसूल के चीज़ों में वो ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि सरकार को जो बहुत से काम करना है और वो लोगों को शुक्रिया अदा किए, धन्यवाद कहे हैं इनके संदेश सुनने के लिए 24 तारीख फरवरी को जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे। फरीनिंग फन मेडिसी फिर से एक बार अपना आवाज़ उठाई है कि खनेस मेदलन दवा इत्यादि के कितना कमताई है और इससे कितने चीज़ों पर असर होता है और ये कितना घबराने वाली बात है। मरीजों का इलाज नहीं हो पाते हैं देश में क्योंकि दवा नहीं है या दवा के कमताई है। फरीनिंग फन मेडिसी ने कहा है एक पेश बरिख में, डॉक्टर जो है ये कमताई के वजह से अपना काम नहीं कर सकते हैं और लोगों का मरीज़ का इलाज भी नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिस
पर बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है अगर इन लोगों का इलाज नहीं होगा, इस पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे कुछ पेशेंट कुछ मरीज़ के बहांडलिंग चल रहा है, लेकिन ये अब जारी नहीं हो पाते हैं क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमताई खेमो थेरापोटिस मेडलिन का ये कंकर पेशेंट के लिए ज़रूरत है। कुछ लोग अपने खेमो क्योर से शुरुआत कर चुके हैं लेकिन ये जारी नहीं हो सकता है, और कुछ लोगों को खेमो क्योर से शुरुआत करना है ये भी नहीं हो पाते हैं। इससे मरीज़ों का जान का बहुत खतरा है, इन लोगों के जान खतरे में है। 2019 पिछले साल डियाकोनेस सेकंड हाउस का एक ओंकोलोग इस बारे में चर्चा कर चुके थे और मदद का मांग किए थे, इस पर गौर नहीं हुआ है। और अब दूसरा ओंकोलोग जो है अकादेमी सेकंड हाउस परमारिवो का, इस बारे में भी बातचीत किए हैं, यह मामला सामने लाए हैं, अपने आवाज़ इस बारे में उठाए हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या है और यह बहुत ही घबराने वाली बात है। इससे इस पर लोगों को गौर करना है क्योंकि मेडी सिफर ब्रग्स मिडलन जो है जो ज़रूरी है मरीज़ के इलाज के वास्ते, डायग्नोसिस के वास्ते, जानने के लिए कि इन लोगों की कौन सी बीमारी है। यह फब्रग्स आर्टिकलन समान ज़रूरी नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाते हैं, डायग्नोसिस लोग नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, और इलाज भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट जो होते हैं इन लोगों को खुद ये पैसा भरना है या इनके परिवार को पैसा इलाज के वास्ते भरना है क्योंकि SATF ये पैसा नहीं देते हैं। इसमें काफ़ी रुकावट आती है क्योंकि उस वक्त जब भरना पड़ता है ये पैसा तो लोगों के पास एक ही दम पैसा नहीं होते हैं, तो इन लोगों के इलाज में भी काफ़ी रुकावट आते हैं। ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए FAMS एक बार फिर से अपना आवाज़ उठाए है कि समस्या कितना गंभीर है। मिनिस्टर फॉलोस्कुसोंथेट का अंतवान एलियास ने कही जितना जल्द हो सके इस समस्या के बारे में वो FAMS से बात करने वाले हैं। फरकेश दौद आंताल 10 पर भी आकर पहुंच गए इस हफ्ता। रीनो असफ तीन द फरकेश दौद है इस साल के वास्ते। इनका एक हादसा हुआ है इंदिरा गांधी वैख, ये है हेलिस के आस पास में। जो गाड़ी ये हाँक रहा था इसका बॉल जॉइंट मुमकिन खोल गया है, पुलिस के ये खोजबीन से पता चला है, इसलिए गाड़ी कई बार उलट गया है और उसके बाद जाकर नली में गिर गया है। ये आदमी जो है इसका देहांत वहीं पर हो गया है इस हादसे से। लाश जो है OM से बातचीत करने के बाद परिवार को दी गई है। रीनो असफ तीन नफर केश डोद इस साल के वास्ते। जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन बीते हुए 17 तारीख फरवरी को हुआ था ये जारी होगा, और ये जारी होगा मार्च के 6 तारीख को। मार्च के 6 तारीख को ऐसा एक्टिविस्ट स्टेफानो पकितो बीरफ्लिप ने कहा है। पहले जो ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी फरवरी के 17 तारीख को हुआ था, लोग सरकार के वन बलैत के बारे में ख़ास तौर पर अपना आवाज़ उठाए थे, देश के आर्थिक स्थिति के बारे में, कसर सर्फस जो गुम हुआ है, कोर्स टेकिंग, प्रेस टेकिंग, इन चीज़ों के लिए लोग प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। लेकिन पकितो बीरफ्लिप अब कहते हैं कि आने वाले 6 तारीख मार्च को जो प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी होगा तो ज़्यादा तौर पर दूसरे चीज़ों पर गौर होगा, दूसरे मुद्दे के लिए लोग हड़ताल करने वाले हैं या ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जो सीनियर और बर्खर्स हमारे देश के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उम्र के लोग हैं, इन लोगों को कितना मुश्किलात है। तेवीका का पैसा के लिए कई बार लोग मांग किए हैं लेकिन इन लोगों के तेवीका का पैसा अभी तक नहीं मिला है, और देश में महंगाई बढ़ता जाता है। आगे में ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट जो आदेक से या दूसरे स्कूलों से पढ़ाई पूरा करने के बाद इन लोगों को नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिलते तो कहाँ पर ये सब जाएंगे नौकरी करने के लिए, अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए। PLO बसौदर्स के बारे में वो बात भी किए हैं कि कई बार इन लोगों को मांग करना पड़ता है क्योंकि अख्तरस्ताल खबतालिंग पिछड़े हुए पैसे इन लोगों को चाहिए, पैसा वक्त पर नहीं भरा जाता है, और ऐसा कुछ मामला है जिसके बारे में 6 तारीख मार्च को ये सब सड़क पर जाने वाले हैं। पकितो कहते हैं कि NDP के मासा मीटिंग पर रखेरिंग के लोग इन पर कई बार ये मजाक बनाए हैं कि ये 24 तारीख के मसा मीटिंग में NDP का मसा मीटिंग जो था इस पर ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन पकितो कहते हैं कि वो तादाद नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी करते हैं, और अगर जनता इससे सहमत नहीं है तो वो इनके साथ दे। जो लोग ये
एनडीपी के मासा मीटिंग में गए थे, ये अनजान है या मूर्ख लोग हैं जानकर अनजान बनते हैं, क्योंकि देश के हालात देखकर ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोग ये एनडीपी के पीछे खड़े हैं या इस सरकार के पीछे खड़े हैं। लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि जो वानिका में अस्पताल बनाया गया है, सरकार कहती है कि ये उनका प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इस सरकार का प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि ये एक गिफ्ट, एक तोहफा है शीना का, शीना देश की तरफ से ये तोहफे के रूप में एक स्कैंकिंग सुरीनाम देश को मिला है। बहुत से लोग ये भी इनसे कहा है कि 3 महीना फरकी सिंह से पहले क्या फ़ायदा होगा ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रासी का, तो पकी तो बीरफ्लीत कहते हैं ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी वो करेगा, प्रोटेस्ट वो करेगा, और अगर चाहे ऐसा फरकी सिंह से एक दिन पहले तक उन्हें करना पड़े तो भी वो करने वाले हैं। जनता से गुजारिश है इनका साथ देने के लिए, और वो चाहते हैं कि देश में जनता ये जान ले कि सच्चे और अच्छे ईमानदार लीडर्स की ज़रूरत है ये देश चलाने के वास्ते। ये जो प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी मार्च के 6 तारीख को होगा, ये कैरेक्ट प्लान पर रहेगा। इसके लिए अभी तक फरखोरिंग का वो मांग नहीं किए हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कोई रुकावट नहीं डाला जाएगा, ये फरखोरिंग इनको मिलेगा, और अगर इजाज़त नहीं मिलेगा तो भी वो जाएगा, सड़क पर जाएगा ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रासी के वास्ते, ऐसे पकीतो बीरफ्लीत ने कहा है। एक और ब्रह्मफिक्सर का देहांत हुआ है। बीते हुए मंगल को महेंद्र प्रसाद ठाकुर दत्त 54 साल फिर एंड फेफ दहियार का ये ब्रह्मफिक्सर जो है इसको धक्का लगाया है, जाकर इनसे टकराया है एक त्विन तहियारह ऑटोबस दूधर 20 साल का एक आदमी आर, ये नशे के हालात में था और इनको इजाज़त भी नहीं था गाड़ी हाँकने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये फरकेर्स मिस ड्राइविन किए हैं और इनका रेब वेस पुलिस ले चुके थे, और इनको 18 महीने तक इजाज़त नहीं था यातायात यानी फरकेर में हिस्सा लेने के लिए एक गाड़ी के साथ। बगैर रेबवेस से और नशे के हालात में ये यातायात फिरकेर में हिस्सा लिए हैं और जाकर यह ब्रह्मफिक्सर से टकराया है, और टकराने के बाद यह ब्रह्मफिक्सर का देहांत हो गया है। पुलिस इस आदमी को ये आर ट्वेंट हजार का ऑटोबस ट्यूडर जो बगैर रेबवेस के साथ गाड़ी हाँक रहा था, पुलिस इनको हिरासत में ले लिए है, इनको कैद में रखा गया है। स्टार्स ओली के तरफ से ये खबर भी आई थी, और ये पता है आपको पिछले दिनों में तेल जो मिला है अपाचे कॉरपोरेशन के खोजबीन से, ये ब्लॉक 85 तक में काफ़ी ज़्यादा तेल मिला है। ये खोजबीन तेल का जारी है और उम्मीद है, लोग ये सोच रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों के पास कि ये ट्वी द बोरिंग से भी काफ़ी तेल अपाचे कॉरपोरेशन को मिलेगा, और जो पहला बार बोरिंग के बाद तेल मिला है इससे लोगों को और हौसला मिल गया है, और इसलिए ज़ोर तोर से बोरिंग हो रहा है। सांसोली का डायरेक्टर जो है एलियास कहते हैं कि मुमकिन एंड मार्च तक, मार्च के अंत तक ये पता चल जाएगा दूसरे बोरिंग से कितना तेल या तेल मिला है या कितना तेल मिला है, और अगर ऐसा जारी होगा तो दूसरा बोरिंग के बाद एक तीसरा और एक चौथा बोरिंग भी आएगा, क्योंकि एलियास का ये कहना है कि और भी अपाची कॉरपोरेशन ये कहते हैं कि कई दिनों से ये सब इस बारे में तलाश और खोजबीन कर चुके हैं कि तेल ज़्यादा तौर पर मौजूद है सुरीनाम से कुस्त के आगे। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा।